जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है, आपका आभार है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में, पूरे वीडियो में बात करेंगे कि हम कोई भी काम शुरू करते हैं या कोई भी काम करने के बाद हमें वो यकीन तो होता है कि हम सफल होंगे, लेकिन फिर भी हमें सफलता प्राप्त नहीं होती। वो क्या कारण है, वो कौन सी चीज़ें हैं, उन सभी पर हम आज बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक निवेदन है मेरा, चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। कमेंट्स में लिखें जय श्री महाकाल, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। स्क्रीन पर चल रहे नंबर से आप मेरा अपॉइंटमेंट लेकर सीधे आप उससे बात भी कर सकते हैं। जो भी तकलीफ परेशानी, आप व्हाट्सअप से अपॉइंटमेंट लेकर 24 घंटे कभी भी आप मैसेज छोड़ दें, वहाँ से आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, सीधे मुझसे बात आपकी हो पाएगी। दोस्तों, असफल होने के पीछे बहुत बड़ा रीज़न होता है हमारी सोच। हम कितना सकारात्मक सोचते हैं, कितना अच्छा सोचते हैं, वही डिसाइड कर देती है 50% चीज़ कि हम सफल होंगे या असफल होंगे। क्योंकि एक सकारात्मक दृष्टिकोण चीज़ों को सकारात्मक करने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई चीज़ को हम पहले से ही मन में ये धारणा बना लेंगे कि ये नहीं होगी हमसे बिना कोशिश करें तो नहीं होगी, लेकिन अगर आपने मन में धारणा बना ली कि मैं कोशिश तो करूं, परिणाम जो भी हो, पहला दृष्टिकोण ये सकारात्मक रहेगा, तो जब आप ये कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली सफल भी होंगे और आपको सफलता मिलेगी। अब दूसरी जो मुख्य वजह होती है वो होती है तुलना। हम जब सफल होने की राह में चलते हैं तो लोगों को देख देख कर चीज़ों को सिर्फ हमें ऑब्जर्व करना चाहिए, चीज़ों को समझना चाहिए और उसको अप्लाई करना चाहिए, लेकिन हम हूबहू कॉपी करना चाहते हैं और उस आधार पर आगे बढ़ना चाहते हैं, जो गलत है। गलत होने के साथ साथ, क्योंकि जो उनको परिणाम मिला है वो कि, क्योंकि हर जगह स्थिति वातावरण का एक अलग माहौल होता है, वो हर जगह लागू नहीं होता है, ज़्यादातर जगह लागू नहीं होता है। इसलिए इस चीज़ को हमेशा अपने दिमाग में बिठा के रखें कि इस तरह का कोई भी फैसला आप ना लें। तीसरा है ईश्वर की कृपा और उसका जप। आप जितना ईश्वर का जप करेंगे, अपने काम के साथ साथ कर्म के साथ साथ ईश्वर का स्मरण भी करेंगे, वो कर्म अनंत अमर हो जाते हैं और उनके जो परिणाम हैं वो सोच से भी परे हो जाते हैं, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। तो ये बिल्कुल बेसिक्स 3 पॉइंट थे जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप इन 3 पॉइंट को अगर अच्छे से समझ रहे हैं तो कमेंट्स में बताएं कि कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, जो भी अपनी राय हो खुलकर कमेंट्स में आप लिख सकते हैं। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।